अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं बल्ब कैमरे का। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जितनी देर में इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, इतनी देर में इसके बदल में आपको पता चलूँ कि ये 360 डिग्री का कैमरा है, ऑल फोर साइड कैप्चर करता है। इसमें बिल्ट इन माइक आता है, लाउड स्पीकर आता है, और दूसरी बात ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये इनडोर यूज़ हो सकता है। आउटडोर अगर इसमें पानी चला जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें स्टोरेज के लिए SD कार्ड यूज़ होता है। ये वीडियो वॉइस के साथ रिकॉर्ड करता है। और इसके कुछ यूजेज आपको पता चलूँ कि इसमें एक अलार्म सिस्टम भी आता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको गराज में लगाते हैं अपने, तो आप गराज पे एरिया सेट कर देते हैं गेट पे, तो कोई भी अगर गेट से पास होगा तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह शॉप, ऑफिस और घर में भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के छोटे बच्चे हों और माँ बाप दोनों ऑफिस जाते हों, तो वो अपने बच्चों को डिटेक्ट करने के लिए घर में कैमरा लगा सकते हैं, जिससे वो लाइव बच्चों को देख भी सकते हैं, और घर में जो सर्वेंट हो देखभाल के लिए उसको लाइव इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। और इसी तरह शॉप के लिए, शॉप पे आप अपने लाइव मुलाजिम को देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर उसको कुछ रेट्स वगैरह का इशू हो तो आप उसको लाइव बता भी सकते हैं इस कैमरे के ज़रिए। अभी फ़िलहाल मैं इसको रीसेट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें लाइट भी है। अब चलते हैं, इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका मैं आपको जिक्र बताता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लें। प्ले स्टोर के बाद आप V380S ऐप सर्च करें, उसको इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉल की हुई है, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद कैमरे बल्ब जब ऑन होता है तो उसका अपना वाईफाई भी होता है। ये इसका वाईफाई शो हो रहा है यहाँ पे MV27, तो इसको कनेक्ट कर लें। ये कनेक्ट हो चुका है, तो इसके बाद आप प्लस का बटन आ रहा है। प्लस के बाद ऐड नेटवर्क डिवाइस, तो इस पर आप अपनी डिवाइस ID मैन्युअली भी लिख के सर्च कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बल्ब कैमरे पे आप जा सकते हैं, लिखा हुआ भी है और स्कैन करने की ऑप्शन भी है। मैं फ़िलहाल स्कैन कर रहा हूँ, ये स्कैन हो चुकी है। उसके बाद इसको ऐड टू लिस्ट कर लें। ऐड टू लिस्ट करेंगे तो उसके बाद कनेक्टिंग नीचे वो आ रहा होगा। उसके बाद इसको ओपन कर लें। सिक्योरिटी नोटिस का पूछ रहा है, सिक्योरिटी हमने नहीं लगानी। देख सकते हैं आप इसका रिजल्ट, देख सकते हैं। फिलहाल इसका नाइट विजन ऑन हुआ है क्योंकि ये नीचे पड़ा हुआ था, इस वजह से इसको आप जूम भी कर सकते हैं। नीचे आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे स्क्रीन शॉट, ऑडियो, होल टू टॉक और मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है नीचे। उसके बाद ये आप इसका रिजल्ट देख लें, ये नाइट विजन का रिजल्ट है। उसके बाद इसको अभी हम करने लगे हैं, वाईफाई के साथ कनेक्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आप सेट में जाएं, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में जाएं। इसमें आप दो मोड हैं, AP मोड होता है और एक स्टेशन मोड होता है। आपने स्टेशन मोड पे करना है। स्टेशन मोड पे आपका ये देखें, मेरा अभी नेट आ गया, PDCLMH आ गया। इसमें मैंने पासवर्ड लिखना है। इसको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसके बाद कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। किसी और नेटवर्क पर भी अगर हों तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पासवर्ड लिख के उसको कनेक्ट करने लगा। इसके बाद इसको सेव कर लें, इसको यस कर दें। ये आप देख सकते हैं, ये PDCLMH के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। लैन ऑनलाइन नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको फिलहाल नो कर रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं ऑन हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।